नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने थर्ड फ्लोर रूफटॉप गार्डन का एक ओवरव्यू दूंगी। देखिए, सबसे पहले मेरे ये सफ़ेद चंपा है, ये रेड वाले चंपे का फ्लावर है जिसमें काफ़ी सुंदर फूल आते हैं। ये एक कनेर का पौधा है, येलो कनेर का पौधा है। इस बार तो गर्मियों के मौसम में मेरे काफ़ी पौधे सूख गए हैं ऊपर के, मैंने कोई नेट भी नहीं लगा रखी थी इस पे। ये वाइट कनेर का पौधा है, वैसे मैंने अपने ऊपर छत पर केवल वही पौधे लगा रखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्डी हैं और तेज़ धूप में भी बहुत आसानी से जो कि सर्वाइव करते हैं। मैंने कई फाइकस के प्लांट लगा रखे हैं जो कि साइज़ में काफ़ी बड़े हो गए हैं और एक बहुत अच्छा ग्रीन लुक आपके पूरे छत के गार्डन को देते हैं। कई सारे कलर के मैंने बोगनवेलिया भी लगा रखे हैं जिसमें एक कलरफुल लुक भी आ जाता है आपके गार्डन में। देखिए, दो फाइकस के बीच में एक बोगनवेलिया का पौधा है, ये एक अनार का पौधा है जिसे मैंने अभी लगाया है और ये फ्लावरिंग भी कर रहा है इस समय। देखिए इसमें फल आते हैं कि नहीं। नीचे भी एक फाइकस का पौधा है जिसकी लीफ ट्रायंगुलर है, ये हार सिंगार का पौधा है। बोगनवेलिया मैंने काफ़ी लगा रखे हैं जो कि काफ़ी सारे कलर में मेरे पास है, ये वेरीगेटेड बोगनवेलिया है। ये मोगरा, इसमें फ्लावरिंग और बर्ड्स देखिए कितने ज़्यादा फ्लावर्स हैं इस समय और पूरी तरह से ये भरा हुआ है इस समय फूलों से। इन सब मैं पौधों में ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट देती हूँ। ये एलमेंडा की बेल है जो गर्मी और बारिश में काफ़ी अच्छे फ्लावर्स देते हैं ये पौधे। ये मेहंदी का पौधा है, देखिए इस तरह के मेरे सारे गुलाब इस समय सूख गए थे। रेन लिली, वाइट रेन लिली, पिंक रेन लिली, येलो रेन लिली, इस समय आप लगाइए काफ़ी अच्छे फ्लावर्स देते हैं ये। ये रजनीगंधा है, ये साइकस का पौधा देखिए कितना हरा भरा हो रहा है इस समय। ये कड़ी पत्ता का पौधा है जिसमें इस समय ढेर सारे फल आए हुए हैं। मैक्सिकन पिटूनिया, ये शू प्लांटर मेरे, ये जेट प्लांट की कटिंग जो मैंने मार्च में लगाई थी अब काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई है। ये मधुमालती की बेल है, ये मेरा काफ़ी पुराना पोनीटेल पाम है। देखिए इस तरफ मैंने अपनी छत पर केवल वही पौधे लगा रखे हैं जो कि काफ़ी अच्छी धूप में भी सर्वाइव कर सकते हैं।